नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चल शनि जयंती व वत सावित्री व्रत का त्योहार हिंदू रीति रिवाज के साथ मनाया गया। वत सावित्री व्रत 2020 हिंदू धर्म में पति की लंबी आयु के लिए कई व्रत हैं, लेकिन वत सावित्री के व्रत का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत ही प्रभावी माना जाता है, जिसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। इस दिन सभी सुहागन स्त्रियों व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। मान्यता है कि वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने पतिव्रत की प्रभाव से मृत पड़े सत्यवान को पुनः जीवित किया था। जब से यह वत सावित्री व्रत धूमधाम से मनाया जाता है, वह हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है, वही आज उत्तराखंड में भी यह व्रत धूमधाम से मनाया गया व सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पर साफ स्वच्छता के साथ इस व्रत पूजन को किया। आज ही के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, जिसका भी अपना एक विशेष हिंदू धर्म में मान्यता मानी जाती है। सभी मंदिरों में आज शनि देवता को तेल चढ़ाकर जाप व पूजन किया गया। सावित्री का त्यौहार है, ये साल में एक बार अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन एक पत्नी अपनी पति लंबी आयु की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है और इस दिन कहा जाता है कि सावित्री सत्यवान के प्यार लेकर यमुना से आई थी और इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज शनि जयंती भी मनाई जाती है। आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के इस अवसर पर वट सावित्री का पूजन किया जाता है, तो पति की सौभाग्य की कामना से, दीर्घायु की कामना से इस व्रत को महिलाएं बड़े धूमधाम से मनाती हैं, व्रत उपवास लेकर। और शनि महाराज का भी आज शनि जयंती के रूप में यह पर्व अमावस्या के दिन ही मनाया जाता है, तो दोनों पर्व आज हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार के रूप में लोग इसको मनाते हैं।